हाय एवरीवन, आई एम फराज एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट गूगल। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन पहली चीज़ आप लोग स्ट्रेस से बच सकते हैं और दूसरी चीज़ आप लोग के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। तो टोटल 6 पॉइंट्स हैं, लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग देम वन बाय वन। अभी सारे पॉइंट्स मेरे खुद के एक्सपीरियंस से हैं, इन सभी पॉइंट्स के साथ साथ एक स्टोरी एसोसिएटेड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर वन इज प्लान। तो अक्सर क्या होता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ और मेरे पास कोई प्लान नहीं होता, कोई एजेंडा नहीं होता, आई एंड अप वेस्टिंग मोस्ट ऑफ माई टाइम। या तो मैं सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर देता हूँ, यूट्यूब पर कुछ देख लेता हूँ, ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता हूँ, या फिर किसी फैमिली मेम्बर से फ़ोन करके बात कर ली बहुत दिनों बाद। सो ऑल दीज थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन बहुत टाइम तक बिकॉज आई डोंट हैव अ प्लान। तो प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके पास एक प्लान होता है, आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होती हैं जो कि आपको ख़त्म करना है आज, इन दैट केस एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, आप लोग काम करते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ये मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन है आपका। यू हैव टू कवर दिस, यू हैव टू प्लान फॉर दिस कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है। कुछ चीज़ें होंगी आपको पहले से आती होंगी, कुछ चीज़ों में रिविजन की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें आपको दोबारा से फ्रेश पढ़नी है। सो इन सभी का प्लान बनाओ, उसको प्रैक्टिकल रखो। मेक अ प्रैक्टिकल प्लान। इम्प्रैक्टिकल मत बनाना कि मैं आज 5 टॉपिक्स पढ़ लूंगा, नए टॉपिक्स, दैट इज इम्प्रैक्टिकल। तो टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लो, मेक अ प्रैक्टिकल प्लान एंड यस, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ठीक है, हमारी वेबसाइट है leadcoding.in, जो कुछ ने पहले लॉन्च करी, इट्स अ कंप्लीटली फ्री वेबसाइट। आप लोग जाकर के वहाँ पर अपना प्लान देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में भी 4 सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेबसाइट पे डाल दिया है, इट्स कंप्लीटली फ्री, यू कैन रीड इट आउट। छोटे छोटे नोट्स हैं, इजी इंग्लिश में समझाए हुए हैं। बाकी की 3 सब्जेक्ट आप लोग और कहीं से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंसिस्टेंसी। तो इसके साथ एक बहुत ही अच्छा किस्सा जुड़ा हुआ है मेरा। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इंटर्नशिप्स और मैंने क्वेश्चंस बहुत सारे कर लिए थे, 700 क्वेश्चंस कर लिए थे लगभग इंटर्नशिप से पहले पहले। लेकिन 2 महीने का ब्रेक पड़ा जस्ट बिफोर इंटर्नशिप, समर ब्रेक पड़े 2 महीने के, जिनको मैं बहुत अच्छे से यूज कर सकता था। लेकिन आई वेंट टू माई विलेज, अपने गाँव गया, मस्ती करी 2-3 दिन। इट वॉज अ शॉर्ट ब्रेक, छोटा सा ब्रेक होना था वो। लेकिन जब मैं लौट करके आया, सो मेरे को मनी नहीं किया पढ़ाई करने का। एक इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया, एक ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट मेंटेन करता है। अगर आप लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं तो आप लोग रेगुलरली काम करते रहेंगे, अगर आप लोग ब्रेक ले रहे हैं तो आप लोग ब्रेक लेते रहेंगे। सो वही स्टेट अचीव हो गई, मैंने ब्रेक अपना बहुत लंबा एक्सटेंड कर दिया और देखते देखते 1 महीना निकल लिया। नाउ इससे मेरा बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। द नुकसान वॉज कि आई डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू लीव अ कंपनी। मतलब जो कंपनी मेरे सामने आ रही थी ना, छोटी हो बड़ी हो, कम पैकेज दे रही है ज़्यादा दे रही है, मैं बैठ रहा था, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे कि मैं बैठ करके बड़ी कंपनी का वेट करूँ जो मेरे को ज़्यादा पैकेज देगी। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी कंसिस्टेंट। जस्ट इन केस आपका फैमिली में कोई ओकेजन है, फ्रेंड्स के यहाँ पार्टी है, घूमने जा रहे हो, ट्राई टू डू एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो टच तो करो एटलीस्ट। ठीक है, अगेन इससे भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, आप लोग अगर रेगुलरली कोई चीज़ कर रहे हैं, रेगुलरली क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपका दिमाग खुद कहेगा कि यार आज भी मेरे को क्वेश्चन करना है। वी शुड नॉट ब्रेक दिस स्ट्रीक, ये स्ट्रीक नहीं टूटनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ने से पहले, देर आर 2 मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके लिए आपको प्लान करना है। वन इज प्रोजेक्ट एंड सेकंड इज योर एप्टी। फॉर एप्टीट्यूड यू कैन सिंपली स्टार्ट प्रिपेयरिंग 10 डेज बिफोर योर इंटरव्यूज, दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू बी फास्ट। फॉर प्रोजेक्ट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू हैव मशीन लर्निंग, यू हैव वेब डेवलपमेंट, यू हैव एंड्रॉइड, आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है यू कैन मेक प्रोजेक्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। Now here is an information for those who want to work at product based companies as a full stack developer. तो यार इसके लिए आपको एक बहुत strong portfolio चाहिए, but more than that आपको एक बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा skill set होना चाहिए। तो यार एक full stack development bootcamp conduct होने जा रहा है जहाँ पर आपको चीज़ें बिल्कुल scratch से सिखाई जाएंगी, आपको coding बिल्कुल zero level से सिखाई जाएगी and आपको कोई prerequisite की ज़रूरत नहीं है to enroll in this bootcamp. If you are from art background, science background, commerce background और किसी भी background से हो, you can participate in this bootcamp. इट इज़ अ फुल स्टैक डेवलपमेंट बूट कैंप बाई नॉलेज हट। यहाँ पर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट दोनों ही सिखाई जाएंगी। आप लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, सो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपके रिज्यूमे में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे। ड्यूरिंग द प्रोग्राम आपके लाइव सेशंस होंगे, आप लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, आपको 1-on-1 मेंटोरशिप दी जाएगी बाई मैंग एक्सपर्ट्स, रिज्यूमे प्रिपेयर कराया जाएगा, यू विल गेट रेडी फॉर इंटरव्यूज, आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपकी प्लेसमेंट की गारंटी ली जाएगी। सो इट्स अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम जहाँ पर 100% प्लेसमेंट की गारंटी ली जाती है। एंड यहाँ पर जो प्लेसमेंट स्टेट्स हैं, द एवरेज प्लेसमेंट इज नियर अबाउट 12 LPA। बाकी आप लोग खुद से चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन रीड मोर अबाउट इट, यू कैन लुक एट द प्लेसमेंट स्टेट्स हियर, कौन सी कंपनीज में लोग प्लेस हो रहे हैं। सो इट्स अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम, यहाँ पर आपका सब कुछ कवर हो जाता है। एंड यहाँ पर जो पेमेंट के ऑप्शन हैं, दोज आर ऑल्सो वेरी फ्लेक्सिबल, सो यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिविजन्स।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ें पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हमने कर लिया. क्वेश्चन तो सेम नहीं पूछा जाएगा कंपनी में. सो व्हाई टू बेसिकली रिमेंबर द क्वेश्चन, वी शुड रिमेंबर द एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर. जो एल्गोरिथम, जो डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है, हम उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए. बिकॉज जब आप लोग कोड करेंगे कोडिंग राउंड्स में या फिर इंटरव्यूज़ में, तो आप लोग को कहीं से देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, आप लोग नहीं देख पाएंगे कि यार ये कैसे इंप्लीमेंट होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. मैं क्या करता हूँ उसके लिए, आई हैव सेलेक्टिव क्वेश्चंस फॉर एवरी एल्गोरिथम एंड एवरी डेटा स्ट्रक्चर. सो आई रिमेंबर एल्गोरिथम्स एंड आई रिमेंबर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स. हर एल्गोरिथम के लिए, हर डेटा स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास सर्टन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं रिविजन के लिए यूज़ करता हूँ. ठीक है, इस तरीके से आप भी करो. वेन एवर यू आर कमिंग, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, तो उन नए प्रॉब्लम्स में से आप लोग कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लो फॉर रिविजन. इससे आप लोग रिवाइज करेंगे सेम एल्गोरिथम एंड सेम डेटा स्ट्रक्चर. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनवायरमेंट, आपके आसपास का माहौल. अभी आपकी फैमिली में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है. तो फ्रेंड सर्कल की पहले बात करते हैं. आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे ग्रुप में हैं. कि आप ऐसे ग्रुप में जो बंक मार के मस्ती कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ खैर बोरिंग हो गया, मतलब कुछ भी कर रहे हैं रैंडम स्टफ़, और या आप ऐसे वाले ग्रुप में हैं जो कि बंक मार के कोडिंग कर रहे हैं, तो यू विल हैव टू चेक दैट. वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपके आसपास के लोग होंगे आप भी वैसा ही बिहेव करोगे. या तो पीयर प्रेशर कह लो, या फिर आपको मज़ा आएगा. मतलब किसको मज़ा नहीं आता बंक मार के मस्ती करने में. सो यू हैव टू चेक फॉर दैट. अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि सीरियस हैं थोड़ा सा चीज़ों को लेकर के, सो एटलीस्ट फॉर अ सर्टन टाइम बी विद देम. आप लोगों को प्रेशर फील होगा कि यार ये लोग भी कर रहे हैं तो मैं भी करूँ. एंड इट इज़ नेसेसरी दैट आपके पास प्रेशर हो, आपके ऊपर प्रेशर हो. विदाउट प्रेशर कोई चीज़ मूव नहीं करती. यू नो दीज फिजिक्स लॉज, तो ये रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हैं ये सारे लॉज. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फैमिली. अब फैमिली पर जब बात आती है तो आई कैन नेवर से कि चेंज योर फैमिली, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बट फिर भी यार कई बार होता है कि लोग बहुत इंजॉय करने वाले होते हैं हमारी फैमिली में, मतलब मस्ती से जा रहे हैं, तो उधर ट्रिप्स मार रहे हैं. बट ड्यूरिंग योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन यू शुड मेक अ डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस करके, अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट करके यू हैव टू फोकस. मतलब आपका दिमाग वहीं रहेगा, घूमने में रहेगा, वेडिंग सेरेमनीज अटेंड करने में रहेगा, बर्थडे पार्टीज अटेंड करने में रहेगा, ट्रिप्स में रहेगा. ठीक है, सो जस्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम, उसके बाद तो मस्ती मस्ती करनी है. फॉर अ लिमिटेड टाइम फोकस ऑन वॉट यू आर डूइंग. जो आपका प्लान, जो पॉइंट नंबर 1 में प्लान बनाया था ना, उस पर काम करो. ठीक है, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मॉक इंटरव्यूज. एंड ट्रस्ट मी, मॉक इंटरव्यू से आप लोग का बहुत फायदा होने वाला है. पर्सनली मुझे बहुत बेनिफिट किया है मॉक इंटरव्यूज ने. प्रॉब्लम सॉल्व करना एक चीज़ है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. वॉट यू आर एक्चुअली कोडिंग, वॉट यू आर एक्चुअली थिंकिंग इन योर हेड, उसको एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स ईजी है, ये बहुत मुश्किल नहीं है. विद द हेल्प ऑफ मॉक इंटरव्यूज किसी के साथ भी करो. मतलब आप अपना एक ऐसा दोस्त ढूंढ लो जिसका आप मॉक इंटरव्यू ले सको एंड वो आपका मॉक इंटरव्यू ले सके. दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे आपको ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. सो फाइंड योर पार्टनर्स, डू मॉक इंटरव्यूज, क्वेश्चंस पूछो एक दूसरे से रेगुलर बेसिस पे. आई यूज टू प्रैक्टिस दिस विद माई सिस्टर, वो मेरे से एक साल छोटी थी, बट वी स्टिल यूज टू डू अ लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यूज. ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्लीप. कीप अ चेक ऑन योर स्लीपिंग शेड्यूल. एंड आई वुड नॉट से कि दिन में जल्दी उठो रात में सो जाओ, डजेंट मेक सेंस. सबका अपना अपना शेड्यूल होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से बने होते हैं. कुछ लोग होते हैं जो रात में बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करते हैं, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग नाइट्स. ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी उठ के बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. मैं अक्सर रात में थोड़ा लेट जागता हूँ और सुबह में हल्का सा लेट उठ जाता हूँ. बट यू हैव टू मेंटेन दैट 6 to 8 hours स्लीप. 6 से 8 घंटे आप लोग अगर सो जाते हैं तो आप लोग फ्रेश हो जाएंगे. कई बार हमें लगता है कि हम लोग कम सो करके ज़्यादा काम कर लेंगे, बट एट द एंड आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. आप लोग जिस तरीके से बातचीत करते हैं वो एनर्जी नहीं आएगी, जिस तरीके से चीज़ें सीखते हैं डाइजेस्ट करते हैं वो एनर्जी नहीं आएगी अगर आपकी स्लीप सफिशिएंट नहीं होगी. ठीक है, तो आप लोग देख लो आपका स्वीट स्पॉट क्या है, 6 घंटे है या 8 घंटे है, इससे ज़्यादा ही मत सोना वरना टाइम नहीं बचेगा पढ़ने के लिए. सो यस, दीज वर द 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. बहुत ही नॉर्मल पॉइंट्स हैं, बट कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्लेसमेंट्स. ठीक है, ऑल राइट, सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट.